नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, बीएसएफ के 3 अफसर और 1 जवान शहीद। भारतीय सुरक्षा बल भी दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा, बेकाबू बस पलटने से 17 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। जयपुर से गुरसहायगंज के लिए जा रही थी बस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, केंद्र को बताया अमीरों की सरकार, बोले सिर्फ 15 से 20 लोगों को फायदा हो रहा है। दिल्ली सरकार और एलजी में घमासान तेज, राजभवन में केजरीवाल की धरना पॉलिटिक्स जारी। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अनशन पर बैठे, आज सीएम हाउस से एलजी आवास तक मार्च निकालेगी आप। 2 साल बाद कांग्रेस की इफ्तार पार्टी आज, दिल्ली के ताज होटल में लगेगा राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शामिल होने की भी उम्मीद। ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को इफ्तार पार्टी देंगे मुख्तार अब्बास नकवी, दिल्ली में आज शाम सरकारी आवास पर होगा इफ्तार का आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत स्थिर, नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे मुलाकात, कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा और मोहन भागवत भी पहुंचे थे एम्स। भैयूजी महाराज की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तस्वीरों में महिला दिख रही है साथ, भैयूजी महाराज का आज होगा अंतिम संस्कार। पटना में लालू परिवार के निर्माणाधीन मॉल को ईडी ने किया जब्त, इसी मॉल से निकली मिट्टी के घोटाले का लगा था आरोप। और हरे निशान के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स में 88 अंकों का उछाल, निफ्टी 10,856 पर कर रहा है कारोबार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।